हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर RGPB डिप्लोमा स्टूडेंट्स। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा, जो अपना डिप्लोमा, जिसे हम लोग प्यार से पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, वो RGPB यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है, तो उसको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 2। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको प्लान भी रिवील करूंगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, ताकि चीजें हमें क्या लगे, आसान लगे। ठीक है, अब एक बात आप समझिएगा, जब भी हम लोग कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे मन में दो ख्याल होते हैं। पहला कि सर ये सब्जेक्ट है कैसा, ईजी है या टफ है। देखो एक बात आप समझिएगा बेटा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना मैथमेटिक्स 2, जहां पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये टफ हो जाएगा, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो मैंने यहां पर जो फॉर्मूला अपनाया है पढ़ाने का आपको, वो ये है कि मैं सबसे पहले आपके बेसिक को अच्छा करूंगा। कोई भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पहले क्या करूंगा, आपके बेसिक को अच्छा करूंगा। बेसिक को अच्छा करने के बाद मैं आपको कंसेप्ट दूंगा कि क्या कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस RGPB ने पूछे हैं, लगभग हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगा लेंगे। और आप सभी बच्चों को पता है, जिन्होंने मैथमेटिक्स 1 लिया था, पूरा का पूरा पेपर हमारे कोर्स से ही आया था। लेकिन ठीक है, वो एक अलग बात है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरा कोर्स इसलिए लीजिए क्योंकि पेपर आया था। अच्छी बात है जब क्वेश्चंस लड़ जाता है ना, तो एक कॉन्फिडेंट अपन को मिलता है। लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन भी आता है बेटा, तो इतना तो मैं काबिल आपको बना दूंगा कि कुछ नया भी आता है तो आप बना पाओ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई क्वेश्चन लड़ते हैं आप लोग, ठीक है। अगले बार गलती क्या हुई थी, अगले बार गलती ये हुई थी कि बच्चों ने लेट कोर्स लिया था। क्यों लेट कोर्स लिया था, सर हमें पता नहीं था। तो आप सभी से मैं ये विनती करता हूं कि इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बच्चों ने लास्ट लास्ट में कोर्स लिया था, जल्दी जल्दी पढ़ाता, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो कम से कम आप वीडियो को पहुंचा दो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कोर्स लेना, ये सारे बच्चों के ऊपर है। मैं कभी नहीं बोलता भैया कि आप सब्सक्राइब करो, लेकिन हाँ, इस वीडियो को पहुंचाना आपका फर्ज है, ठीक है। चलिए, तो देखो बेटा, यहां पर हमारे सिलेबस में 5 यूनिट है, जिसमें 4 यूनिट आपके बड़े बड़े हैं और 1 यूनिट क्या है आपका, छोटा है, ठीक है। जो सबसे पहला यूनिट है वो है आपका डिटरमिनेंट्स एंड आपका मैट्राइसिस, ठीक है। ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, मैट्राइसिस ही बोल दो क्योंकि मैट्राइसिस का ही पार्ट क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। तो ये आपका पहला चैप्टर है, जो कि मैं ये बोल सकता हूं कि थोड़ा सा इजी है। थोड़ा सा क्या है बेटा, इजी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया, बेसिक से मैंने चीजों को करवाया, तो अच्छा चल रहा है। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आता है, अभी मैं बस आपको सिलेबस बताऊंगा, पढ़ना कैसे है, क्या सीक्वेंस होगा, ये बताऊंगा बेटा। और देखो क्वेश्चंस तो मानकर चलो कि जितना हम मैं करवा रहा हूं उसी को आप प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम्स में आ जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है आपका इंटीग्रल कैलकुलस, ये क्या है, थोड़ा सा इसको आप टफ भी बोल सकते हो, थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है, और साथ ही साथ थोड़ा बड़ा भी, ठीक है। तो चलो यहां तो बैलेंस बन गया, एक इजी और दूसरा क्या हमारा टफ, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो ना, यहाँ नई नई चीजें ऐड करा इसने, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्मेशन है ना, इवेल्युएशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय, ये सब नई चीजें ऐड की, इससे पहले नहीं था, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये भी बेटा इजी है, इसको मैं टफ के श्रेणी में तो नहीं लाऊंगा, लेकिन यहां पर क्या है, सिलेबस को एक्सपेंड कर दिया गया है, मतलब अब ये जो चैप्टर जितना पहले था उससे क्या हो चुका है, ये बड़ा हो चुका है, ठीक है भाई साहब। देख लीजिए बहुत सारे टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स यहाँ पर जो नहीं थे उनको भी यहाँ पर ऐड किया गया, तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं एकदम बेसिक से करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूं उसको कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना है, आपका काम खत्म। कोर्स किस तरीके से डिजाइन होगा, कैसे क्या करना, वो सब मुझ पर छोड़ दो, आपका काम है, आप लेक्चर्स को अटेंड करना है। लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूं उस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेना है बस, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके यूनिट नंबर 4 में, ये आपका वेक्टर अलजेब्रा है,
ये इजी है और साथ ही साथ ये छोटा है बेटा, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बहुत ही एक आध टॉपिक इसमें दिया है, तो मेरे हिसाब से एग्जाम में अगर बोला जाए ना तो यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा ये नहीं है। ठीक है, तो आप कुल मिलाकर देखोगे तो दो इजी है हमारे पास और दो टफ। टफ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बड़ा सिलेबस है। ठीक है, तो जब बड़ा सिलेबस होता है कोई भी काम अगर करने में बहुत टाइम लग रहा है तो उसको आप टफ बोल सकते हो। ठीक है तो इजी बेसिक से अपन पढ़ेंगे, सारी चीजों को करेंगे, लेकिन दो इजी और आपका दो टफ, इसको तो आप गिनती में ही मत लो, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना और अगर इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए तो हमारा प्लान क्या है बेटा, मेरा प्लान ये है कि मैं आपको सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ा दूंगा आपका यूनिट वन, उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं आपको वेक्टर पढ़ा दूंगा। देखो बेटा अब एक बात समझना, अगर आप मैट्रिक्स और वेक्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, ये बात आप समझ जाओ, क्योंकि मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आता है और वेक्टर से भी क्वेश्चन आता है। तो स्टार्टिंग में पहले आपको मैं मैट्रिक्स करवाऊंगा फिर वेक्टर करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो, आप आराम से पास हो जाओगे इन्हीं दो चैप्टर्स के बदौलत। लेकिन कैसे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब, नहीं प्रैक्टिस करोगे बेटा फेल हो जाओगे, ये बात आप समझ लो। मैथमेटिक्स 2 को पास करने का सिंपल सा फंडा है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको करवा दूंगा यूनिट नंबर 3 जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये जो था ना बड़ा वाला ये, ठीक है, यूनिट 3 में आपको करवा दूंगा जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। उसके बाद मैं यूनिट 2 करवा दूंगा, ठीक है, जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस है, और उसके बाद अपन यूनिट 5 करेंगे। तो यहां पर आपको सभी यूनिट्स को करके जाना है, स्टार्टिंग के दो यूनिट्स इजी अपन लेंगे ताकि आप आराम से कर पाओ, कंफर्टेबल हो पाओ, और जब आप मैथ्स प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये आगे के चैप्टर्स भी आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है, अब क्या स्टार्टिंग में बड़ा चैप्टर उठाऊंगा तो थोड़ा सा लगेगा यार ये क्या है ना, तो अपन क्या इजी से टफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको बता दिया, आज आप देख रहे हो सिलेबस का वीडियो, आज आप देख रहे हो सिलेबस का वीडियो, मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूं है ना, RDPB डिप्लोमा मैथमेटिक्स 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस के वीडियो के बाद आपको मैं मैट्राइसिस के, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैं मैट्रिक्स के 4 लेक्चर आपको डेमो दूंगा। अगर आप इतना लेक्चर आपको देखने के बाद अच्छा लग रहा है कि नहीं हमें पूरे कोर्स के लिए जाना चाहिए, तब आप जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन हमारा ऐप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐप को आप बढ़िया डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद आप देखना ऐप के नीचे आपको स्टोर दिखेगा, क्या दिखेगा, स्टोर, तो आपको इस स्टोर पे जाना है और स्टोर पर जाने के बाद सर्च करना है RDPB डिप्लोमा, क्या सर्च करना है बेटा, RDPB डिप्लोमा सर्च करना है, आपको कोर्स दिख जाएगा, आप आराम से परचेस कर पाओगे। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो मानकर चलिए आप, ये मेरा नंबर है, आप इसमें कॉल लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई साहब मैथमेटिक्स में आप रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि टफ है। देखो वेक्टर मैं इजी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा कि वो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आने वाली केस नहीं होगी बेटा, जितने से जितना बेसिक हो पाएगा मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब यहां पे देखो, अब क्या कि ज्यादा बोलना भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता ना, इस तरह से बोल रहे हैं, करके दिखाएंगे ना अपन। आप मेरे भरोसे पे आप कोर्स परचेस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, है ना। 500 रुपये मैंने फीस रखा है आप लोगों के लिए, 500 रुपये कोई ज्यादा फीस नहीं है, आप अगर 2 महीने भी पढ़ लेते हो बेटा 250 रुपये महीना होता है, और मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ाया तो आप कोर्स के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब जिनको डेमो लेना है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं, अब वो जाके डेमो लीजिए, और जिसको कोर्स खरीदना है भैया कोर्स आ चुका है, जो पैसे पहले पढ़ चुका है भैया जाओ और पहले कोर्स खरीद लो, डेमो होमो के चक्कर मत पड़ो, नहीं वैसा डेमो देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। चलिए तो अगर कोई सिलेबस के लिए आया तो सिलेबस नोट कर ले, है ना, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है और मैंने कैसे पढ़ाना ये भी आपको बता दिया है, है ना। आप चाहो तो इसे भी नोट कर लेना, उसके बाद आप मैट्रिक्स को स्टार्ट कीजिए, है ना। 4 लेक्चर आप डेमो के देखिए, आपको अच्छा लगता है तो पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा, किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आप मुझे इस पे कॉल कर सकते हैं। तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।